अभी जो हम लोग का लेक्चर सीरीज चल रहा है YouTube पे, इसमें हम इससे पहले जो लेक्चर लिए थे वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट सेम और इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के लिए था। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ते हैं जो हम लोग स्टडी कर रहे थे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में बच्चों हमने जो कर लिया था लॉजिक गेट्स के अंदर, वो हम कर लिए थे बेसिक लॉजिक गेट्स, ये हमने स्टडी कर लिया। आज जो हमको पढ़ना है वो हमारा है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। तो बच्चा यूनिवर्सल लॉजिक गेट जो कि आज का हमारा टॉपिक है, ये वाला जिसको कि हमको पढ़ना है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट में जब हम आते हैं तो इससे पहले हम लोग बेसिक लॉजिक गेट में देख चुके हैं कि तीन बेसिक लॉजिक गेट था हमारा, और गेट एंड गेट और नॉट गेट। तो किसी भी दो बेसिक लॉजिक गेट को एक साथ ऐड करके जो एक नया लॉजिक गेट बनेगा वो हमारा क्या हो, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। फॉर एग्जांपल हमारा बेसिक लॉजिक गेट है और गेट, और इसके साथ हम ऐड कर दिए नॉट गेट, तो हमारा जो न्यू लॉजिक गेट बनेगा वो हमारा बनेगा नॉट गेट। अगर हम और गेट के सिंबल की बात करें कि और गेट कैसा दिखता है, तो इससे पहले क्लास में ही हम लोग और गेट डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा है और गेट, इसके साथ हम लोग इसका इनपुट क्या था हमारा, ए था, बी था, आउटपुट वाई था। वाई बराबर यहां पे क्या था, ए प्लस बी था, ठीक है। इसके बाद और गेट के बाद जो हम लोग का न्यू नॉट गेट था, इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, ये हमारा नॉट गेट का सिंबल था। पिछले वीडियो लेक्चर में नॉट गेट के सिंबल में ये वाला यहां पे मिस हो गया था। तो नॉट गेट में मान लीजिए ये हमारा इनपुट ए है, आउटपुट वाई है, तो वाई बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है। तो इससे जो नया लॉजिक गेट हमारा बना, ये दोनों हमारा बेसिक गेट है, कौन सा और गेट और नॉट गेट, ये दोनों हमारा क्या है, बेसिक लॉजिक गेट्स। और ये जो नॉन गेट बना हुआ है ये हमारा यूनिवर्सल लॉजिक गेट, ठीक है। तो नॉन गेट का सिंबल क्या होगा, इसमें और गेट और नॉट गेट दोनों ऐड हो जाएगा, इसका जो सिंबल बनता है ये हमारा इनपुट ए है, ये हमारा इनपुट बी है, बस नॉट गेट का इससे आगे ऐड हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। और ये हमारा वाई होगा, ठीक है, इसको हम ऐसे बना, यहां पे वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल का बाद हो जाएगा, क्योंकि जो भी इनपुट होता है, अगर हम यहां पे और गेट का इनपुट देखें, और गेट का इनपुट ए बी, तो और गेट का आउटपुट वाई, इस और गेट का आउटपुट वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ये जो ए प्लस बी है ये एंड गेट का क्या है, सॉरी नॉट गेट का क्या है, इनपुट है, तो यहां पे नॉट गेट अपने इनपुट पे क्या लगा देता है, बाद लगा देता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का बार हो जाएगा। इसी को जब हम लोग आगे करते हैं तो देखिए कैसे बनाते हैं, इसी यूनिवर्सल को हम लिखा है, यही वाला डायग्राम हम लोग यहां पे लिखा, ये हमारा और गेट, ये हमारा नॉट गेट, दोनों बेसिक लॉजिक गेट, इस दोनों
बेसिक लॉजिक गेट्स को जोड़ करके हमारा ये बना, ये हमारा है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, ठीक है। इसी यूनिवर्सल लॉजिक गेट को हम एक दूसरा तरीका से बना सकते हैं। ए और बी हमारा इनपुट है और यहां पे हम सीधे वाई लगा दिया, तो ये हमारा जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट है ये हमारा हुआ नॉर गेट, और इसका आउटपुट वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का। क्लियर हो गया ये चीज, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो रोक करके। इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं, इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। इसका ट्रूथ टेबल हम लोग बनाते हैं। दो इनपुट है हमारे पास ए बी और एक आउटपुट है हमारे 0 0 0 1 1 0 1। और हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है गेट का, ए प्लस बी का बार, तो यहाँ पे 0 + 0 अगर करेंगे तो होगा 0, और 0 का बार जब यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा 1, 0 + 1 1 होता है, 1 का रिवर्स 0, 1 + 0 1 होता है और 0 का 1 का रिवर्स 0, और 1 + 1 क्या होता है 0, लेकिन कैरी होता है 1, फिर जब हम उसका रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा लॉजिक गेट हो गया, ये हमारा हो गया नॉर गेट, और ये हो गया उसका ट्रुथ टेबल, ये हो गया उसका सिंबल। और नॉर गेट कौन सा गेट है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ठीक है, तो ये हमारा जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट का पहला लॉजिक गेट हो गया, ये हमारा हो गया नॉर गेट। इसी के बाद हम दूसरा यूनिवर्सल गेट का स्टडी करेंगे। दूसरा यूनिवर्सल गेट हमारा होगा वो क्या होगा, दूसरा जो हमारा यूनिवर्सल गेट होगा वो हमारा होगा एंड गेट और प्लस नॉट गेट मिलकर के, नॉट गेट एंड गेट का सिंबल बच्चों ने कैसे बनाया, पहला वीडियो आप लोग देख लें नॉट गेट का, इनपुट ए है इनपुट बी है आउटपुट हमारा वाई है, यहां पे वाई बराबर क्या है ए इनटू बी, नॉट गेट बिल्कुल वही इनपुट ए है और आउटपुट वाई है, वाई बराबर क्या होता है ए। तो जब हम नैंड गेट बनाएंगे तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम नॉट गेट पढ़े हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया नैंड गेट, मतलब ये हमारा एंड गेट और ये हमारा नॉट गेट, मतलब नॉट एंड मतलब की नैंड, ये हमारा। इसी का जब हम फाइनल सिंबल बनाते हैं तो यहां पे हम सीधे लगा देते हैं नॉट गेट, इनपुट ए इनपुट बी और ये वाई बराबर ए इंटू बी का। यहां देखिए ये इनपुट ए है ये बी है, अगर हम एंड गेट का आउटपुट देखें तो एंड गेट का आउटपुट क्या होता है वाई बराबर,
ए इंटू बी, जो वाई बराबर ए इंटू बी नॉट गेट का आउटपुट हुआ वो नॉट गेट के लिए क्या हो गया, इनपुट हो गया। नॉट गेट का इनपुट क्या होता है, वाई इज इक्वल टू ए बार। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, इनपुट की जगह पे क्या है, इनपुट बार। इनपुट का बार मतलब ए इंटू बी का बार, ये हमारा क्या हो गया, नैंड गेट हो गया, ठीक है। और ये उसका सिंबल हो गया। अब हम आते हैं इसके ट्रुथ टेबल पे। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल में क्या है, इसमें भी इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट वाई। चार कंडीशन इसमें भी है, जीरो 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 वन, वन जीरो और वन। देखिए जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो इंटू जीरो होता है जीरो, और जीरो का बार क्या होता है, जीरो इंटू वन जीरो, और तो जीरो का बार फिर वन। वन इंटू जीरो जीरो, जीरो का बार वन, और वन इंटू वन क्या होता है वन, तो वन का बार क्या होता है, मतलब सीधा का सीधा क्या हो गया, नॉट गेट का नैंड गेट क्या हो गया, रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। ये दो हमारे पास जो गेट है, ये दोनों हमारे पास कौन सा गेट है, ये हमारे पास यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, ठीक है। पहला यूनिवर्सल लॉजिक गेट नोट गेट, ये नोट और मिलाकर के नॉट, दूसरा नोट और एंड मिलाकर के नैंड। ये दोनों बेसिक लॉजिक गेट से बना हुआ लॉजिक गेट है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। उसका जो सिंबल है या रियल सिंबल फाइनल, ये आप इसको बना सकते हैं, ये इसका ट्रुथ टेबल है। और जो बेसिक है पिछला लॉजिक गेट का क्लास आपको देखेगा तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आप लोग को कहीं डाउट होगा तो आप लोग चैनल में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्सल लॉजिक गेट तो हम लोग देख लिए दो टाइप का। इसके बाद कुछ एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट है। एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट में एक्स और वगैरह कुछ एग्जाम्पल है, लेकिन एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट देखने से पहले हम लोग जो है एक बार फाइनली नैंड और नॉट तो देख ही लिए हैं, बेसिक लॉजिक गेट भी देख लिए हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी देख लिए हैं, एक बार उसको एक कॉन्टेंट में एक टेबल में देखने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, बेसिक लॉजिक गेट। तीन था, पहला था और गेट, ये था उसका सिंबल, दो इनपुट था ए और बी, एक आउटपुट था वाई, वाई बराबर हो रहा था ए प्लस बी। पहला, दूसरा हमारा बेसिक लॉजिक गेट था एंड गेट, उसका सिंबल था पहला इनपुट ए, दूसरा इनपुट बी, आउटपुट था हमारा वाई, यहां पे वाई बराबर हो रहा था ए इनटू बी, ठीक है। ये हमारा कौन सा था, एंड गेट था। तीसरा जो हमारा था वो कौन सा था, नोट गेट था। तीसरा था हमारा नोट गेट। नोट गेट एक इनपुट और एक आउटपुट के लिए था, ये उसका सिंबल था, इनपुट था ये, आउटपुट था वाई, तो वाई बराबर हो रहा था ए बार। ये तीन हमारा क्या था, बेसिक लॉजिक गेट। इसमें दो इनपुट, इसमें भी दो इनपुट, इसमें सिर्फ एक इनपुट, एक आउटपुट, एक आउटपुट, एक आउटपुट। ये क्या करता था, वर्क एज एडर करता था, ये मल्टीप्लाई के रूप में करता था, और ये रिवर्स कर देता था, मतलब जीरो को वन और वन को जीरो। तो यहाँ पे हम लोग सबका ट्रुथ टेबल देखे थे, तीनों का कंडीशन देखे थे अपने अपने हिसाब से, ठीक है। जब हम इस नॉट गेट से के साथ किसी भी एक गेट को एड कर देते थे तो हमारा बन जाता था यूनिवर्सल लॉजिक गेट। फिर से हम एक बार रिवर्स में यूनिवर्सल लॉजिक गेट पे आते हैं।
ये मैं आप लोगों को एक समराइज करवा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं। यूनिवर्सल लॉजिक, यूनिवर्सल लॉजिक एट में जो पहला हमारा था वो हमारा था नॉन, पहला इनपुट था ए, दूसरा इनपुट था बी और इनपुट था वाई, और वाई बराबर क्या हो रहा था ए प्लस बी का बार। ठीक है, ये हमारा क्या था नॉर गेट। दूसरा जो हमारा यूनिवर्सल लॉजिक गेट था वो था हमारा नैंड गेट। सीधे क्वेश्चन में आता है इनमें से कौन सा यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, आपको जवाब दे रहा हूं नैंड गेट में। ये था वाई इनपुट था ए, दूसरा इनपुट था बी, वाई बराबर था ए इंटू बी का। ठीक है, यहां पे जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट जो हम लोग आज पढ़े हैं इसमें भी दो इनपुट है और एक आउटपुट है, सेम है। देखिए नाम से स्पष्ट है नॉर, यहाँ पे क्या है और, तो ये सिंबल किस चीज का और का, लास्ट में क्या यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया नोट गेट का, नोट गेट का सिंबल है ये वाला। सेम इसी तरह एन, ये किसी का सिंबल एन गेट, और लास्ट में क्या ऐड हो गया यहां पे नोट गेट। ठीक है, तो फाइनली ये क्या करता है रिवर्स कर देता है, मतलब यहां तक अगर इनपुट था तो ये मल्टीप्लाई होता, लेकिन जैसे ही इस पे नोट गेट लग गया तो इनपुट को क्या कर दिया ये रिवर्स कर दिया, और इस तरह से हमारा जो है बेसिक लॉजिक गेट और यूनिवर्सल लॉजिक गेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग अभी करेंगे वो कौन सा लॉजिक गेट होगा, इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो होगा एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे हम लोग चलते हैं एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट। एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट में हमारे पास कौन सा है, एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट्स में जो हम लोग पहला पढ़ते हैं। अच्छा, एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट को शॉर्ट में एक्स लॉजिक गेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा पहला है वो है एक्स और गेट। एक्स और गेट अगर हम लिख दिए मतलब हो गया एक्सक्लूसिव और लॉजिक गेट। तो ये एक्सक्लूसिव और लॉजिक गेट क्या होता है, ये बिल्कुल यहां पे भी हम लोग जो पहला सिंबल बनाएंगे वो किसका बनाएंगे और का बनाएंगे। अगर ये सिंबल होता तो और गेट होता, लेकिन यहां पे बस हम लोग क्या रहा था एक सेपरेट लगा देते हैं, ये बनाने का सिंबल है, तरीका है, जिससे कोई लॉजिक गेट आपस में मिले नहीं, इसके पीछे और कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। ये इनपुट है ए बी और आउटपुट है इसका वाई। अब आप बोलेंगे कि और गेट से इसको अलग तो किए तो क्यों इसको अलग किए, एक्सक्लूसिव क्यों हुआ। ठीक है, एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट होने का जो कारण है इसे, इसका जो मेन वजह है वो क्या है, इसका ये वाला सिंबल भी देख रहे होंगे आप चेंज, इसका मेन वजह है इसका आउटपुट। एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट में क्या होता है, इसका आउटपुट क्या होता है बदल जाता है, बदल जाता है और इसी में जो हमारा दूसरा लॉजिक गेट है एक्सक्लूसिव में ही वो है हमारा
एक्स नॉट, एक्स नॉट, एक्स नॉट मतलब एक्सक्लूसिव और प्लस नॉट, नॉट क्या था नॉट प्लस, ठीक है नॉट प्लस और नॉट था, तो इसका जो हम लोग सिंबल बनाते हैं इसमें ऐड करते हैं क्या नॉट, इनपुट ए है इनपुट बी है ये इनपुट वाई है, या अगर हम इसी को बोले ए है बी है और यहां पे सी है वाई है, तो ये हमारा क्या होगा एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्स ऑफ और एक्स नॉर, ये दो हमारे पास कौन सा लॉजिक गेट है एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट, इसको हम लोग डिटेल में करेंगे कि एक्सक्लूसिव और क्या होता है एक्सक्लूसिव नॉर क्या होता है नेक्स्ट मतलब जो क्लास होगा उसमें हम लोग एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर को भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को भी देखेंगे कि जितना भी हम लॉजिक गेट पढ़े बेसिक बेसिक लॉजिक गेट तीन पढ़े उसके बाद से यूनिवर्सल दो पढ़े एक्सक्लूसिव दो डिटेल में पढ़ना बचा हुआ दो एक्सक्लूसिव को डिटेल में पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम बनाएंगे कॉम्बिनेशनल लॉजिक जिसमें कि फ्लिप फ्लॉप होगा एडर होगा सब्ट्रैक्टर होगा ये सारा हम लोग को कॉम्बिनेशनल में पढ़ना है ठीक है, फ्लिप फ्लॉप में भी डिफरेंट टाइप है एडर में भी डिफरेंट टाइप है 8 × 1 है 1 × आपको मतलब फिर 4 × 1 है ये सारा उसका टाइप है जब हम लोग उसमें जाएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे, तो ये सारा जो इंटायर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ये सारा आपका इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर के सिलेबस में यानी इलेक्ट्रॉनिक में ये सारा का सारा फर्स्ट ईयर में है, तो आप लोग इसको एक बार आज जो वीडियो हुआ और जो इसका प्रीवियस वीडियो हुआ उसको एक बार अच्छे से कर लीजिए क्योंकि अगला क्लास से जो होगा जो प्रीवियस दोनों वीडियो में अगर आप लोग को कहीं पर दिक्कत हुआ तो अगला वीडियो समझने में आप लोग को समस्या होगी, तो इसीलिए ये दोनों यहां तक बेसिक था इसको आप लोग क्लियर कर लें, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे इसी का डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा ना थोड़ा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक या एडवांस जो बेसिक हम लोग पढ़ेंगे उसके आधार पर कुछ आगे हम लोग बढ़ेंगे, इतना डिटेल आप लोग का क्लियर होना चाहिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे क्या होगा कि कोई भी अगर न्यू वीडियो हम लोग डालते हैं तो आपको पता चलेगा, चलिए थैंक यू।